हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट कोटक नियो में है तो आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे में स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस उस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके भी दिखाऊंगा, और अंत में उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करूंगा। और उसके बाद मैं आपको इंट्राडे में बाय किए हुए शेयर्स को सेल करके भी दिखाने वाला हूं अंत में। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसेस आज मैं आपको पूरे डिटेल में लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूं। आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं, वो भी फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। यहां पर हमने मोबाइल में कोटक नियो की ऐप को लॉगिन कर लिया है। कोटक नियो की ऐप को लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस में आपको नीचे की ओर पांच ऑप्शन शो हो रहा होगा, वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्ट का। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले ट्रेडिंग करना है तो आपको वॉच लिस्ट में चले जाना है। वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ पास आपका सबसे पहला रिसेंट वॉच लिस्ट होगा, जो कि कोटक नियो द्वारा पहले से स्टॉक्स वॉच लिस्ट बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पास मैंने स्टॉक्स के नाम से एक वॉच लिस्ट बनाया था, उसमें पीएनबी का स्टॉक्स ऐड है। तो दोस्तों, आप यहाँ पास वॉच लिस्ट क्रिएट करके अपने स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट बनाकर स्टॉक्स ऐड करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, तो आप कोटक नियो वाले प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक और स्टॉक्स यहाँ पर सेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पास आपको सिंपली सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको स्टॉक्स सर्च कर लेना है कि आप कौन से स्टॉक्स को ऐड करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको जिस भी स्टॉक्स को ऐड करना है उसके प्लस के आइकॉन में एक बार क्लिक कर देना है। प्लस के अकाउंट में क्लिक करते ही आपका स्टॉक्स वॉच लिस्ट में आसानी से ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पास बैक आकर देख सकते हैं, हमारे यूनियन बैंक का स्टॉक्स यहाँ पास ऐड हो चुका है और पीएनबी का पहले से ऐड था। अब मैं आपको यूनियन बैंक का स्टॉक्स इंटरनेट में बाय करके दिखाने वाला हूँ, तो उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पास हम बाय वाले बटन में क्लिक कर लेंगे। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब इस इंटरफेस में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला है इन्वेस्ट का और इंटरडे का। तो इन्वेस्ट में आपको तब क्लिक करना है जब आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करने वाले हैं, और अगर आप इंटरडे में ट्रेडिंग करने वाले हैं तो यहाँ पास आपको इंटरडे में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पास आपको इंटरडे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको बाइंग प्राइस डालने का ऑप्शन आता है कि आप कितने प्राइस में बाई करने वाले हैं, वो एक्चुअली आपका लिमिट प्राइस है। यहाँ पास ऑर्डर टाइप में देख सकते हैं आपका लिमिट प्राइस में क्लिक है तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ रहा है, और वहीं अगर मैं मार्केट प्राइस में क्लिक कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा बाइंग प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यूनियन बैंक का जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें हमारा इमीडिएट बाई हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पास अगर मैं लिमिट प्राइस में क्लिक करके लिमिट प्राइस डालता हूँ तो हमें कुछ टाइम का लिमिट करना पड़ जाता है उस प्राइस में आते तक। तो यहाँ पास मैं मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पास इमीडिएट बाय करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपका प्रोडक्ट का टाइप MISC रहेगा। तो दोस्तों, इतने सिंपल है, आपको सिर्फ इंटरडे सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, ऑर्डर टाइप में आपको लिमिट या फिर मार्केट प्राइस सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोडक्ट टाइप आपका MIS रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली स्वैप टू बाय में क्लिक कर देना है। तो स्वैप टू बाय में क्लिक करते ही हमारे स्टॉक्स इंटरडे में बाय हो चुका है। अब मैं यहाँ पास आपको ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा एक ऑर्डर क्लोज करके दिखा रहा है, कंप्लीटली क्लोज करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा यूनियन बैंक का स्टॉक्स बाय हो चुका है MIS ऑर्डर, मतलब कि इंट्राडे ऑर्डर में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको कंफर्म करने के लिए पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको ऊपर की ओर दो ऑप्शन मिलता है, इन्वेस्टमेंट एंड पोजीशन का। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने डिलीवरी में जो बाय करके रखा हुआ है, डिलीवरी बाय किए हुए एक दो दिन हो चुका है तो आपका इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। मैंने यस बैंक का पहले से डिलीवरी में बाय करके रखा था तो यहाँ पर शो कर रहा है, और हमने जो आज बाय किया है वो आपको पोजीशन में शो करेगा। तो यहाँ पास हम पोजीशन में क्लिक करके देख सकते हैं बैंक की स्टॉक्स में पोजीशन बन चुका है इंट्राडे में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद अब अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको कैसे लगाना है, आपको इसी पोजीशन में आकर सिंपली जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर आपको सेल टू स्क्वायर ऑफ वाले में क्लिक कर लेना है। सेल टू स्क्वायर ऑफ वाले में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए दो चीज सीखना है। आपको ऑर्डर टाइप में लिमिट या मार्केट प्राइस में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए या तो SL लिमिट सेलेक्ट करना है या फिर SL मार्केट सेलेक्ट करना है। अब वो मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आप SL लिमिट सेलेक्ट करते हैं, SL मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिलता है, और वहीं अगर आप लिमिट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन गायब हो जाता है। वही मार्केट प्राइस भी है, यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस नहीं आता है। तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन SL लिमिट और SL मार्केट में मिलता है। तो यहाँ पास आपको दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर टाइप को सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों, आपको याद रखना है जहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस लगाने का ऑप्शन आ रहा है वहीं पास
आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कई लोग बिना ट्रिगर प्राइस के ओनली लिमिट प्राइस में स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि गलत है। कभी कभी हमारा पोजीशन स्क्वायर अप भी हो जाता है। तो यहाँ पास आपको हमेशा ट्रिगर प्राइस का यूज करके आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब एसएल लिमिट का मतलब होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पास एसएल लिमिट में क्लिक किया है तो यहाँ पास आपको सेलिंग प्राइस डालने का ऑप्शन आता है, मतलब आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। और वही अगर मैं एसएल मार्केट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आपको सेलिंग प्राइस मतलब की लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं आता है, सिंपली आपको ट्रिगर प्राइस बस डालना होगा। जो कि आपको एसएल लिमिट में सेलिंग प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों डालने का ऑप्शन मिल रहा था, वही आपको एसएल मार्केट में ओनली ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि ट्रिगर प्राइस में हमारा स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा, उसके बाद जो भी इमीडिएट मार्केट प्राइस रहेगा उसमें हमारा स्क्वायर अप हो जाएगा। लेकिन एसएल लिमिट में हमारा ट्रिगर प्राइस में पोजीशन एक्सचेंज को जाता है, उसके बाद हमारा लिमिट प्राइस में हमारा पोजीशन स्क्वायर अप होता है। तो ये दोनों में नॉर्मली डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको एसएल लिमिट में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। आप एसएल मार्केट में आराम से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सिर्फ आपको ट्रिगर प्राइस डालना होता है। लेकिन एसएल लिमिट में बहुत लोगों को कंफ्यूज होती है, तो मैं पास एसएल लिमिट में आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा है 118 रुपया। अब मैं चाहता हूं जब भी नीचे गिरकर 115 रुपए जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहां पर सेलिंग प्राइस में 115 रुपए लिख लेता हूं। सेलिंग प्राइस में 115 रुपए लिखने के बाद आप यहां पर आपको ट्रिगर प्राइस डालना होता है। तो दोस्तों, ट्रिगर प्राइस हमेशा आपका सेलिंग प्राइस से कुछ पॉइंट बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो फिर 10 पैसे का बड़ा हो, लेकिन सेलिंग प्राइस से हमेशा ट्रिगर प्राइस बड़ा होना चाहिए स्टॉप लॉस लगाते टाइम। अगर आप छोटा करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो यहाँ पास हम स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस को 10 पॉइंट का बस बड़ा लिखते हैं। तो मैंने लिमिट प्राइस को 115 रुपये लिखा है, तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस को 115 रुपया 10 पैसा लिख लेता हूँ। आप चाहे 1 रुपया का भी बड़ा लिख सकते हैं, 116 रुपया भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ओनली 10 पॉइंट का बस बड़ा लिखा हूँ। उसके बाद अब हम यहाँ पास स्वाइप टू सेल में क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पास इस प्रकार से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पास ऐसा लिमिट सेलेक्ट किया, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिखा और सिंपली स्वाइप टू सेल कर दूंगा, तो हमारा स्टॉप लॉस आसानी से लग जाएगा। अब हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में आने के बाद आपका जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो यहाँ पास आपको ओपन ऑर्डर में शो करेगा, क्योंकि अभी हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा ऑर्डर ओपन है जो कि स्टॉप लॉस के रूप में लगा हुआ है यूनियन बैंक का। तो आप देख सकते हैं यूनियन बैंक का सेल के लिए एक शेयर में हमारा ट्रिगर प्राइस 115 रुपये शो कर रहा है और लिमिट प्राइस हमारे 115 रुपये शो कर रहा है। मतलब किस प्रकार से हमारा स्टॉप लॉस यूनियन बैंक में लग चुका है। तो दोस्तों, आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है। स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए यहाँ पास आपको सिंपली इसी ओपन ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर मॉडिफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहां पर आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहां पर प्राइस को मॉडिफाइड करना होगा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी इसका प्राइस गिरकर 112 रुपए जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहां पर फिर से सेलिंग प्राइस में 112 रुपए लिख लेता हूं। सेलिंग प्राइस में 112 रुपए लिखने के बाद फिर से हमें ट्रिगर प्राइस को चेंज करना होगा। ट्रिगर प्राइस को भी हम सेलिंग प्राइस के करीब ले जाएंगे, तो मैं यहाँ पास 115 रुपये 10 पैसा को फिर से 112 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो फिर 10 पैसे का बड़ा हो, लेकिन सेलिंग प्राइस से ट्रिगर प्राइस थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पास स्वाइप टू मॉडिफाई में क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर इमीडिएट मॉडिफाइड हो गया होगा। अब मैं यहाँ पास बैक जाकर दिखाता हूँ। ओपन ऑर्डर में आप यहाँ पास देख सकते हैं जो कि पहले ट्रिगर प्राइस 115 रुपये 10 पैसा था वो अब यहाँ पास 112 रुपये 10 पैसा शो कर रहा है, और वही हमारा लिमिट प्राइस जो पहले 115 रुपये था वो अब 112 रुपये शो कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आसानी से अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, जो कि एकदम सिंपल है। अब मैं आपको अंत में स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाता हूं। तो आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए सिंपली इसे ओपन ऑर्डर में आकर जो भी आपका ऑर्डर ओपन है जिसको आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको रेड कलर में कैंसिल का बटन दिख रहा होगा, उसमें सिंपली क्लिक करके यहाँ पास आपको यस में क्लिक कर देना है। तो आपका पेंडिंग ऑर्डर जो था, मतलब कि ओपन ऑर्डर जो था, वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पास बैक जाकर दिखाता हूँ। बैक आने के बाद आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा ओपन ऑर्डर यहाँ पास कुछ भी शो नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप क्लोज ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पास आपको एक ऑर्डर कैंसिल करके शो कर रहा है, जो कि हमारा वही स्टॉप लॉस है जिसको हमने कैंसिल किया था वो यहाँ पास शो कर रहा है। तो दोस्तों, आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने आपको इंट्राडे में स्टॉक्स बाई करके प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके और स्टॉप लॉस को कैंसिल करके भी दिखा दिया है। अब मैं आपको अंत में उस इंट्राडे में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल करके दिखाने वाला हूं। तो आपको सेल करने के लिए सिंपली यहां पास पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहां पास आपको पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद अब आप जिस भी पोजीशन को सेल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां पास आपको सेल टू स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लेना है। सेल टू स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको स्टॉक को सेल करने के लिए यहाँ पास आप जितना भी क्वांटिटी सेल करने वाले हैं उस क्वांटिटी को यहाँ पास लिख लेना है। मैंने एक ही क्वांटिटी बाय करके रखा था तो यहाँ पास एक ही क्वांटिटी लिखा हुआ है। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं, अगर आप चाहते हैं 5 ही क्वांटिटी को सेल करेंगे तो यहाँ पास आप क्वांटिटी में 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पास हमारा इन्वेस्टर इंटरडे पहले से सेलेक्ट रहेगा, जिस भी चीज में हमने बाय किया था वो यहाँ पास पहले से सेलेक्ट रहेगा। हमने इंटरडे में बाय किया था तो इंटरडे पहले से ही सेलेक्ट है। उसके बाद अब यहाँ पास आपके ऑर्डर टाइप में आ जाना है। ऑर्डर टाइप में अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में क्लिक कर लेना है। अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं
जहां पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेना है। आपका मार्केट प्राइस में क्लिक करते ही अगर आप सेल टू सेल करेंगे तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसमें भी डेट सेल हो जाएगा। तो दोस्तों लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ जाता है, तो मैं यहां पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद सिंपली स्वैप टू सेल में क्लिक कर देना है। स्वैप टू सेल करते ही आपका ऑर्डर इमीडिएट स्क्वायर अप हो जाएगा। तो यहां पास आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। अगर आप यहाँ पास फिर से स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पास हमारा पोजीशन अब अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ पास हमारा पोजीशन पूरी तरह से स्क्वायर अप हो चुका है। अब यहाँ पास आपको कंफर्मेशन करने के लिए फिर से ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद फिर से आप क्लोज ऑर्डर में देखेंगे तो हमारे यूनियन बैंक का स्टॉक सेल के लिए यहाँ पास कंप्लीटेड करके लिखा हुआ है। मतलब कि हमने यूनियन बैंक के स्टॉक को जो सेल कर रहा था वो यहाँ पास कंप्लीटेड हो चुका है, जो कि पोजीशन पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका पोजीशन क्लोज हुआ है नहीं कंप्लीट। तो दोस्तों यहां पास आप देखेंगे हमने पहले सबसे पहले यूनियन बैंक का स्टॉक्स बाय किया, उसके बाद उसमें स्टॉप लॉस लगाकर मॉडिफाइड करके उसको कैंसिल किया, उसके बाद हमने उसको सेल किया, जो कि हमारा का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो कि मैं आपको वीडियो में पहले बोला था कि जो जो चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव मार्केट में वो सारी चीज मैंने करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।